हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूँ संजय और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल टेक एसपी सपोर्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका जो सॉल्यूशन है एसटी डिजिटल से जो रिलेटेड जो सॉल्यूशन है उसका आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यानी कि आपको जो एसटी डिजिटल डैशबोर्ड में लॉग यानी कि आपको उसमें जो लेवल वेरिफिकेशन है लेवल वेरीफाई नहीं हो रहा तो उसका आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। और जो भाई का अगर लेवल वेरीफाई था वो बंद हो चुका है तो उसका भी आपको यहाँ पे रीजन बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में आगे दिखा दूंगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, आप जब फर्स्ट बार अप्लाई करते हो तो आपको इस तरह का यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको इस तरह का वहाँ पे आपको यानी कि रीजन आता है। इस तरह आपका यहाँ पे डैशबोर्ड रिजेक्ट हो जाता है, बहुत सारे दोस्तों का कंप्लीट हो जाता है, बहुत सारे का इस तरह का यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका एक ही कारण है दोस्तों, अपने चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप खुद का सॉन्ग अपलोड करना पड़ेगा, खुद का ओरिजिनल कंटेंट होगा तभी आपका यहाँ पे एसटी डिजिटल का डैशबोर्ड बनेगा, वरना आपका यहाँ पे डैशबोर्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल पे ओरिजिनल सॉन्ग अपलोड करके वहाँ पे रीअप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आपका 100% डैशबोर्ड बन जाएगा। और दोस्तों, जिस भाई ने डैशबोर्ड बना भी लिया, सॉन्ग भी अपलोड करते थे, अगर उसका लेवल बंद हो चुका है तो उसका एक ही कारण है दोस्तों, आपने किसी दूसरे का कॉपीराइट सॉन्ग उस पर बार बार अपलोड किया, उसके बाद ही आपका लेवल यहाँ पे उठता है। यानी कि उसके बाद ही अगर आपने कॉपीराइट सॉन्ग अपलोड कर दिया तो आपको 100% वहाँ पे लेवल बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अपना खुद का सॉन्ग वहाँ पे यूज करना है, किसी दूसरे के कॉपीराइट सॉन्ग वहाँ पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं। अगर आप करोगे तो आपको 100% लेवल यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसको वापस कैसे चालू करें? बहुत सारे भाइयों के बंद भी हो चुका है, बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट करके बताया है। तो दोस्तों, इसको कैसे चालू करें मैं आपको पूरा प्रोसेस अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो चलो दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दिखा दो आपके जो प्रॉब्लम आती है वो क्या प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पे आपको एसटी डिजिटल डैशबोर्ड खोल के आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ये जो प्रोफाइल वेरीफिकेशन वो तो कम्प्लीट हो चुका है, और सेकेंड स्टेबल लेवल वेरीफिकेशन ये यहाँ पर इस तरह यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका एक ही कारण है, आप अपने चैनल पर ओरिजिनल सॉन्ग अपलोड कर दीजिए, उसके बाद ये 100% वहाँ पे हो जाएगा। अगर आपके चैनल पे ओरिजिनल सॉन्ग है फिर भी अगर आपका यहाँ पे लेवल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे दिखाई देगा नीचे चैट सपोर्ट, देख सकते हो यहाँ पे, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह यहाँ पे मैसेज भेजने का ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद आपको इस तरह यहाँ पे मैसेज कर देना है, और यहाँ पे जो भी आपका लेवल वेरिफिकेशन है इस तरह यहाँ पे डाल के, जैसे आप इस पर इस तरह डालोगे तो आपको यहाँ पे नीचे वो जैसे मैसेज करेगा आपके कि अपने डैशबोर्ड के चैनल के लिंक और ईमेल सेंड कीजिए। तो उसके बाद आपको सेंड कर देना है, उसके बाद ये आपको चेक करके अपने यहाँ पे डैशबोर्ड को वेरीफाई कर देगा। तो दोस्तों, आपको इसी तरह यहाँ पे इसको प्रोसेसिंग में करना है। तो मैं यहाँ पर सबमिट भी कर देता हूँ, इसको देख सकते हो यहाँ पर इन रिव्यू में गया। और दोस्तों, इसके बाद एक फिर आपका जो प्रॉब्लम आती है वह है लेवल बंद यानी कि लेबल रिजेक्ट होना। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आवरी में जाके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे आवरी में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 44 सॉन्ग तो इससे अपलोड कर दिए हैं इस डैशबोर्ड से। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जैसे लेवल में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा लेवल यहाँ पे बंद हो चुका है। तो आपको इसको वापस चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेंसिल के आइकन का जो ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर टाइटल लिख देना है, यहाँ पे URL डाल देना है, और यहाँ पे आपको क्या डालना है मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर बता दूँ आपका जो लेवल है वो क्यों बंद होता है, क्यों बंद हुआ है, क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो उसका एक ही कारण है, आपने या तो कॉपीराइट सॉन्ग अपलोड किए हैं या फिर बिना इजाज़त किसी के सॉन्ग अगर आपने डाल दिया तो जैसे आपका डैशबोर्ड की शिकायत जाएगी तो आपका डैशबोर्ड यहाँ पे 100% रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको अपने पर्सनल सॉन्ग यहाँ पे अपलोड करना है, यानी कि किसी के कॉपीराइट सॉन्ग यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, वरना आपका लेवल इसी तरह यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे क्या डालना है आपको। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड टेम्पलेट फाइल है,
और यहाँ पे डाउनलोड डेमो फाइल, तो यहाँ पे हेयर पे क्लिक करोगे तो देश यहाँ पे एक आपको फाइल देखने को मिलेगी, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो इस तरह का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको इसको वहाँ पे आपका जो ये पीला पीला दिखाई दे रहा है, इन नामों की जगह आपका पूरा यहाँ पे डाल देना है। इस नाम की जगह आपका नाम डाल देना है और सन ऑफ की जगह आपके पिताजी का नाम डाल देना है और यहाँ पे एक्स वाई जेड म्यूजिक की जगह अपने चैनल का नाम डाल देना है दोनों जगह। और यहाँ पे जिस डेट को आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हो वो डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आपको इसको यहाँ पे डाउनलोड करके आपको सीधा यहाँ पे लगा देना है। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, मैंने पहले से यहाँ पे बना रखा है, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगा दिया है डॉक्यूमेंट्स को। और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे ऊपर रिकॉर्डेड अपडेट सक्सेसफुल यहाँ पे बता दिया है, यानी कि आपका जो भी वो लेबल है वहाँ पे रिव्यू में वापस भेज दिया गया है टीम को। जैसे टीम आपकी इस लेबल को चेक करेगी तो आपको यहाँ पे वेरीफाई वापस वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसी तरह यहाँ पे पूरा प्रोसेस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।